नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा, आप देख रहे हैं पांच की आंच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिहार में मचे सियासी बवाल की। बताएंगे नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बात करेंगे कांग्रेस में मचे हाहाकार की। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को तार तार कर दिया है। एमपी में बैकऑफ होते अपराधियों की भी बात होगी। और बताएंगे उज्जैन, जबलपुर और मुरैना में बदमाशों ने कैसे मचाया आतंक। इंदौर की भी बात करेंगे जहां तेंदुए का आतंक अभी भी जारी है। और बताएंगे क्यों शिवपुरी में गरीब ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। और इसी के साथ अधिकारी कैसे मौज कर रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की। नीतीश कुमार आज दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। शाम 7 बजे राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार। पटना में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। नीतीश का जेडीयू विधायकों को पटना आने का निर्देश है। शाम को 7 बजे से पहले अपने सभी विधायकों को बुलाया है नीतीश कुमार ने। तो आप देखना होगा कि 7 बजे क्या होगा। विधायकों को पटना में रहने के निर्देश चुकी दे दिए गए हैं। बिहार में आज क्या हो जाएगा खेला, ये सबसे बड़ा सवाल। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा और नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। शाम 7 बजे राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। विधायकों को पटना में रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पार्टी आरजेडी के विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। मतलब बिहार में कभी भी कुछ भी संभव है। इस समय बिहार का सियासी घटनाक्रम पल पल तेजी से बदल रहा है। तो बिहार में बदलाव की लहर है और इसे लेकर बिहार की सभी पार्टियों के नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं। आरजेडी में खलबली मची हुई है तो कांग्रेस को अभी भी ये सब भ्रम लग रहा है। जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि राजनीति में सभी दरवाजे खुले हुए हैं। कल क्या होगा कोई भविष्यवक्ता है नहीं, और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ और कहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से, चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है, कांग्रेस के ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू से नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे, जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं यह किसी भी राज्य के लिए, उसकी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नीति से, नेतृत्व से विचलित नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास के जिस पैगाम को लेकर चल रही है उसमें हर किसी का सहयोग स्वागत योग्य है। क्या लगे दरवाजा खुलेगा, आप लोग वेलकम करेंगे नीतीश कुमार का आना चाहें? देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में उनके गवर्नेंस मॉडल को सहमति मिल रही है। यदि देश के भीतर भी कोई सहमति मिलती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। तो बिहार में जिस तरीके से खेला चल रहा है, सवाल कई उठते हैं कि क्या आज ही नीतीश कुमार जो है इस्तीफा अपना सौंप देंगे या फिर आज क्या होगा बिहार में, कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। विनीता मिश्रा संवाददाता साथ है, जुड़ गए हैं। विनीता, जिस तरीके से विनीता बिहार में तमाम ऐसे सियासी खेल देखने को मिल रहे हैं, इस वक्त वहां पर हलचल कितनी तेज है और शाम तक क्या कोई संकेत नीतीश कुमार को लेकर?
बिल्कुल, बिहार में जो राजनीतिक हलचल है वो बिल्कुल तेज हो गई है और लगातार जैसे जैसे आज का दिन ढल रहा है वैसे वैसे गतिविधियां तेज हो रही है। खबरें ये भी सामने आ रही है कि शाम से लेकर कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और कल ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। और उसके मद्देनजर जो तमाम पार्टियां हैं, जो गठबंधन का हिस्सा है, चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के अंदर जो बातचीत है वो की जा रही है। लालू प्रसाद खुद अपने विधायकों से बातचीत कह रहे हैं, पटना में रहने का उन्होंने आदेश दिया है। बीजेपी की भी बैठक लगातार जारी है, बीजेपी की तरफ से कई वरिष्ठ अधिकारी भी पटना पहुंच चुके हैं और जो राजभवन है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास है उस आवास से राजभवन की दूरी सिर्फ 100 मीटर के करीब है और ऐसे में सबकी निगाहें आवास पर बनी हुई है कि कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलते हैं और राजभवन की ओर रुख करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो राजनीतिक गतिविधि लगातार बदल रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि शायद शाम 7 बजे नहीं तो कल सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा दे सकते हैं और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी हो सकता है। और उसके मद्देनजर जो बिहार की राजनीति है वो गरमाई हुई है, क्योंकि अभी आरजेडी की तरफ से भी कोई वैसे करे तेवर सामने नहीं आ रहे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, गठबंधन में जब तक रहे तब तक उन्होंने सम्मान किया है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी जो तमाम बैठकें हैं वो की जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी अभी कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन साफ तौर पर इतना कहा जा रहा है कि जो होगा वो बेहतर होगा और बिहार के लिए वो बेहतर होगा। और यहाँ जो राजभवन है यहाँ की गतिविधि लगातार बदल रही है, क्योंकि सबकी निगाहें अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो 9वीं बार वो फिर से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और जो खबरें लगातार सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री लगातार 9 बार उन्होंने जिस तरीके से वो शपथ ग्रहण करने वाले, बिल्कुल विनीता, ये तो तय है कि इस्तीफा नीतीश कुमार का होना है, लेकिन कब होगा ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता अपनों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने पार्टी की पोल ही खोल दी है, उन्होंने पार्टी की हार की वजह बताई है। चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराए जाने पर भी वार किया और ये भी बताया कि दिग्विजय सिंह को बंटाधार बताने पर आखिर बीजेपी को क्यों वोट मिलते हैं, सुनिए। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा है और अब लोकसभा चुनाव से पहले अपने ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को आईना दिखाया और चुनाव में हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराने पर अपने ही भाई दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन कांग्रेस ही लेकर आई थी, चुनाव में हार के जिम्मेदार ईवीएम नहीं, ये भितरघात और दलालों की हरकत है। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं, क्या ईवीएम ने कहा था कि सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं? कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है। लक्ष्मण सिंह ने यह भी बताया कि बीजेपी क्यों दिग्विजय सिंह को अब तक बंटाधार कहती है और उन्हें बंटाधार कहने पर बीजेपी को वोट क्यों मिलते हैं। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है, 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं? बंटाधार होते बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। चुनाव में हार के लिए लक्ष्मण सिंह ने राज्यसभा सांसदों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जहां जहां सांसद निधि दी गई वहां से कांग्रेस हारी है। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी टूटने का अंदेशा भी जताया। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हारने के लिए, हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है।
आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हटके गए हैं उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्र में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की। लक्ष्मण सिंह के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि ये निजी बयान है। लक्ष्मण सिंह के बयान पर बीजेपी को भी मौका मिल गया। बीजेपी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है। ये लक्ष्मण सिंह जी का एक निजी बयान हो सकता है, क्योंकि वो भी एक लंबे मार्जिन से जब व्यक्ति हारता है तो हार की समीक्षा करता है। कई उसके विधानसभा क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो उम्मीद के अनुरूप काम नहीं करते, हो सकता है वो कोई बात रही हो। लेकिन मुझे लगता है इस बात पर काफी चर्चा हो चुकी है, और जहां तक बात है तो शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने एक नया अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष, एक आदिवासी युवा नेता, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, एक उपनेता युवा बनाया है। तो मुझे लगता है पार्टी ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि ठीक है हम पिछला चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हाँ आगे की हमारी तैयारी जबरदस्त है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी से काम कर रही, तैयारी कर रही, और आप देखें हम 15 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हैं आज की तारीख में। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी एक तरफ जहाँ दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहाँ ईवीएम को लेकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। लक्ष्मण सिंह के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। अपने ही नेता पर सवाल उठा रहे हैं, पार्टी को घेर रहे हैं। कांग्रेस पसोपेश में है और बीजेपी को मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।